नमस्कार, मैं प्रिया। आज 25 अक्टूबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पांचवें चरण में 61% हुआ मतदान। अब ऑनलाइन मिलेगी डॉक्टर की सुविधा। बिहार में ड्रॉप आउट छात्रों की संख्या कम करने के लिए सरकार ने बनाई अहम योजना। सीपीएसएससी ने घोषित की दरोगा और सार्जेंट लिखित परीक्षा की तारीख। लालू प्रसाद यादव 3 साल बाद लौटे पटना। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पांचवें चरण में 61% मतदान। बिहार पंचायत चुनाव के 4 चरणों के सफलतापूर्वक आयोजन के बाद बीते दिन पांचवें चरण का मतदान करवाया गया था, जिसमें वोटरों का खासा उत्साह देखने को मिला, जिसके तहत ही पांचवें चरण में कुल मिलाकर 61% वोट डालने की खबर सामने आई है। इस बाबत राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद ने पत्रकारों को बताया कि पांचवें चरण में 26,091 पदों के लिए चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इसको लेकर 7,966 मतदान भवन में 12,056 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसके बाद अब पांचवें चरण में शामिल प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला पेटी में बंद हो गया है और 26-27 अक्टूबर को मतगणना के बाद जीते हुए प्रत्याशियों का खुलासा हो पाएगा। अब ऑनलाइन मिलेगी डॉक्टर की सुविधा। बिहार के अस्पतालों में ओपीडी के टाइम टेबल को बढ़ा दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप बीते दिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक अस्पतालों में टेलीमेडिसिन ओपीडी संचालित रही, जिसके तहत सभी डॉक्टरों ने मरीज को चिकित्सीय सलाह दी। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा का विस्तार कर दिया गया है। अभी संजीवनी.in और ई संजीवनी ओपीडी की सेवाएं सप्ताह में 6 दिन मरीजों के लिए उपलब्ध रहेगी। पहले ई संजीवनी इन के माध्यम से सोमवार, गुरुवार और शनिवार और ई संजीवनी ओपीडी के माध्यम से प्रत्येक मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को ही यह सुविधा मिलती थी, लेकिन अब सप्ताह में 6 दिन ऑनलाइन डॉक्टर की सुविधा आप आसानी से ले सकेंगे। बिहार के इन जिलों में पटना की तरह ही करना होगा बिजली का रिचार्ज। बिहार की बिजली कंपनी नए शहरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी कर रही है। दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार के लिए इसको लेकर निवेशकों को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाना है। राज्य कैबिनेट ने पूरे प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने को अनुमति प्रदान की थी। पटना में पहले से ही नए किस्म के मीटर लगाने का काम तेज कर दिया गया है। इस मीटर के लग जाने के बाद बिजली बिल जमा करने की समस्या ही खत्म हो जाएगी। इसमें प्रीपेड मोबाइल की तरह ही रिचार्ज करने पर बिजली सप्लाई होती है। बिजली कंपनी ने यह तय किया है कि अलग अलग शहरों में उपभोक्ताओं की संख्या के हिसाब से पैकेज बनाकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए निविदा जारी की जाए। बिहार में बारिश की नहीं है कोई संभावना। बिहार में ठंड तेजी से अपने पैर पसार रही है, जिसके कारण राजधानी पटना समेत राज्य भर के अधिकतम जिलों में तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अधिकतम तापमान के लगातार कम होने के कारण ठंड ने तेजी से पांव पसारना शुरू कर दिया है। आलम कुछ यूं है कि दिन के समय धूप की वजह से राहत है, लेकिन सूरज के ढलते ही सर्द हवाओं का एहसास होने लगता है। खास करके अहले सुबह और रात के वक्त में ठंड का एहसास लोगों को ज्यादा होता है। इसके साथ ही जो लोग बारिश को लेकर परेशान थे, उनके लिए सुखद संदेश है कि बारिश की कोई संभावना नहीं है, बल्कि मौसम भी शुष्क देखने को मिला। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आने वाले समय में बारिश को लेकर के किसी भी तरीके की ट्रफ लाइन नहीं देखी जा रही है। ऐसे में उत्तर पूर्व के इलाके में 1-2 जगहों पर हल्की बारिश अगर होती भी है तो बस उसी की संभावना है। 18 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट। बिहार में 18 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बना दिए गए हैं, जिसके तहत ही बिहार देश का ऐसा राज्य बन गया है जहां सभी जिलों में ऐसे कोर्ट रूम हैं जो किसी अपराध का शिकार बने बच्चों को पुलिस अदालत के भय का सामना करने से बचाता है। इतना ही नहीं, अब राज्य के ऐसे 11 जिलों में इस तरह के दूसरे कोर्ट रूम भी बनाने की तैयारी चल रही है, जहां बच्चों से संबंधित मामलों की संख्या 100 से अधिक है। सबसे खास बात यह है कि देश के दूसरे राज्यों ने बिहार के चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट में दिलचस्पी दिखाई है, वो इस बारे में जानकारी भी ले रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट मूल रूप से 18 वर्ष की उम्र तक के उन बच्चों और किशोरों के लिए है जो किसी अपराध की वजह से पीड़ित है। बिहार के विश्व शांति स्तूप में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। विश्व शांति स्तूप संगमरमर के पत्थरों से निर्मित है और स्तूप के 4 कोनों में बुद्ध की 4 आकर्षण मूर्तियां हैं, जो इस स्तूप को और भी ज्यादा मनमोहक बनाती है। इस पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने के लिए रोपवे से होकर जाना पड़ता है, जो इस सफर को और भी रोमांचक बनाता है। स्थान की नैसर्गिक और प्राकृतिक सुंदरता इस जगह को बेहद खूबसूरत बनाती है। इसका निर्माण जापानी बौद्ध के निपोंजन मयोहोजी संप्रदाय ने करवाया था। यह स्तूप शांति का प्रतीक है। यहाँ की फूजी गुरुवार जी ने अपना पूरा जीवन यहाँ विश्व शांति के लिए समर्पित कर दिया था। शांति का संदेश देने के लिए उन्होंने एक पगोंडा की स्थापना भी की थी। यह शांति के मंदिर के लिए एक उपयुक्त स्थान है। स्तूप का व्यास 65 फीट का है और इसके स्तूप का आकार 125 फुट लंबा है।
पांचवें चरण में 104 साल के बुजुर्ग ने वोट डालकर दी मिसाल। बीते दिन बिहार पंचायत चुनाव के पांचवें चरण के तहत वोट डालने का काम किया गया। इस दौरान कई लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं इस दौरान कई ऐसे मामले भी सामने आए जिसने लोकतंत्र की मिसाल कायम की है। तेलीहार पंचायत में एक 104 साल की बुजुर्ग महिला ने यह मिसाल कायम की और वोटिंग करने वो पहुंची थी। महिला को वोट दिलवाने के लिए उनके रिश्तेदार गोद में लेकर बूथ तक पहुंचे थे। इसके अलावा भी बिहार के विभिन्न जगहों से लोगों की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है, जिसके बाद कुछ एक जगहों को छोड़ दे तो पंचायत चुनाव का आयोजन शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराने में सफल चुनाव आयोग रही है, जिसके बाद जल्द ही अब पांचवें चरण की वोटों की गिनती की जानी है। बिहार में ड्रॉपआउट छात्रों की संख्या कम करने के लिए सरकार ने बनाई अहम योजना। शिक्षा विभाग ने अब सरकारी मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले छात्र 9वीं कक्षा में कैसे पढ़े, इसको लेकर नई योजना बनाई है, जिसके तहत शिक्षा विभाग ने इसके लिए ट्यूनिंग ऑफ स्कूल योजना शुरू की है। शिक्षा विभाग की इस पहल के तहत 8वीं के छात्रों को नजदीकी हाई स्कूल में ले जाया जाएगा। इस बाबत जिला गुणवत्ता शिक्षा प्रभारी सुजीत कुमार ने बताया है कि योजना के तहत 10 स्कूलों का चयन जल्द किया जाएगा, जिसके बाद चयनित स्कूलों के बच्चों को घुमाने के लिए 2,000 रुपए की राशि दी जाएगी। यहाँ मिलेगी कोरोना से जुड़ी हर जानकारी। अगर आप भी कोविड 19 से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं और आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है तो आपके लिए ये खबर कुछ खास है, क्योंकि अब आपको कोविड 19 से जुड़ी सारी जानकारी एक ही जगह पर आसानी से मिल जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के संयुक्त प्रयास के तहत माई गांव कोरोना हेल्प डेस्क व्हाट्सएप नंबर 9013151515 को जारी किया गया है। इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए कोरोना के लक्षण मिलने पर आपको क्या करना होगा से लेकर के इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा सलाह मिलेगी। इसके अलावा राज्य और केंद्र स्तर पर कोरोना को लेकर मिलने वाली सहायता, माई बूस्टर के तहत प्रमाणिक जानकारी, कोरोना को मात देने वालों से संबंधित सारी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। 5 चरणों तक 14,000 से अधिक बोगस वोटरों की पहचान। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां जारी है। इसी बीच पंचायत चुनाव में इस बार बोगस वोटिंग रोकने के लिए बिहार सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। 5 चरणों तक राज्य निर्वाचन आयोग ने लेकिन फिर भी 14,186 बोगस वोटरों की पहचान की है। अब आयोग इन सभी बोगस वोटरों पर कानूनी कार्रवाई करेगा। बिहार में 11 चरणों में मतदान होना है। आयोग आगे भी बोगस वोटरों की पहचान करने में जुटा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार में पिछले 1 महीने में त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव का आयोजन हो रहा है। चुनाव 12 दिसंबर तक चलेगा और अभी तक प्रदेश में 5 चरणों का चुनाव संपन्न हो गया है। इस दौरान महिला वोटर्स में काफी उत्साह देखने को मिला, लेकिन इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने स्क्रूटनी में 14,000 से अधिक लोगों को बोगस वोटिंग करते हुए पाया है। औरंगाबाद में सीमेंट फैक्ट्री के बाद गोदाम में करोड़ों का सामान हुआ खाक। औरंगाबाद शहर के जसोईया मोड़ में NH 139 स्थित सीमेंट फैक्ट्री के बैग गोदाम में आग लग जाने के कारण करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। हालांकि ये कैसे हुआ इस बात की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है, लेकिन जानकार यही बता रहे हैं कि लपटें काफी तेज थी, जिसका धुआं दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। इसको काबू में लाने के लिए दमकल की 7 गाड़ियां लगी, तब जाकर के काफी देर बाद इस पर काबू पाया जा सका। इधर इस मामले में सीमेंट कंपनी से जुड़े अधिकारी कुछ भी बात करने से असमर्थता जता रहे हैं। आपको बता दें कि इस प्लांट की तरफ बने गोदाम में सुबह अचानक लपटें देखने को मिली। जब तक कंपनी के कर्मी समझते तब तक स्थिति बेकाबू हो गई थी और इस पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। BPSSC ने घोषित की दरोगा और सार्जेंट लिखित परीक्षा की तारीख। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने राज्य में दरोगा और सार्जेंट की नियुक्ति के लिए होने वाले लिखित परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है, जिसके तहत राज्य में 1998 पुलिस अवर निरीक्षक और 215 आरक्षक अवर निरीक्षक की नियुक्ति के लिए साल 2020 में विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें PSI में 683 पद और सार्जेंट में 76 पद महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के तहत सुरक्षित है। इसको लेकर सितंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। अब संयुक्त प्रारंभिक लिखित परीक्षा 26 दिसंबर 2021 को आयोजित की जाएगी। इसके लिए राज्य के विभिन्न जिलों में परीक्षा केंद्र चयन की प्रक्रिया की जा रही है। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। इसमें सफल अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कोविड 19 के 5 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 4 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 37 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो पटना में 3, बेगूसराय में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा किसी भी जिले में 1 भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,48,473 सैंपल की जांच की गई। वहीं 4 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार में कोविड 19 के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि पर्व त्योहार को देखते हुए अभी भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है।
मुजफ्फरपुर की टीके वाली नाव को लेकर मन की बात में की गई सराहना। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से मन की बात कार्यक्रम के तहत देश का संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना और टीकाकरण को लेकर तो बात कही ही, साथ ही साथ उन्होंने बिहार का भी जिक्र किया, जिसके तहत बीते दिन अपने मन की बात कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर के टीके वाली नाव का उल्लेख किया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले दिनों बागमती नदी में चलाई गई टीका वाली नाव की चर्चा के बाद अभियान में शामिल लोग अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसको लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों को 100% टीका देने के उद्देश्य से इस अभियान को चलाया गया था। लालू प्रसाद यादव 3 साल बाद लौटे पटना। बीते दिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 3 साल के लंबे इंतजार के बाद राजधानी पटना आखिरकार पहुंच गए। लालू को पटना एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए उनके बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव मौजूद रहे थे। फिर पिता लालू प्रसाद यादव का एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए घर से निकलते समय तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार का शेर वापस लौट रहा है। लालू के पटना आगमन को लेकर तेज प्रताप यादव ने अपने सरकारी आवास को फूल और गुब्बारों से सजाया था और गेट पर वेलकम माई फादर भी लिखा था। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी पर तंज भी कसा और कहा कि लालू प्रसाद यादव के स्वागत में उन्हें भी पटना एयरपोर्ट पर पहुंचना चाहिए। 26 को चुनावी रण में उतरेंगे सीएम नीतीश। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर 26 को सीएम नीतीश चुनावी रण में उतरने वाले हैं, जिसके तहत वो 2 सीटों पे होने वाले उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करने वाले हैं। सिर्फ सीएम नीतीश ही नहीं बल्कि आज पशुपति कुमार पारस भी बिहार पहुंच रहे हैं। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में रैली करने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री मंगलवार को पूर्वाह्न 11:45 पर प्रचार प्रसार करने पहुंचेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहेंगे, जिसके बाद वो कुशेश्वर स्थान के खेत मैदान धबौलिया प्रखंड कुशेश्वर स्थान पूर्वी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 1:45 पर मुंगेर के तारापुर के ईदगाह मैदान गाजीपुर प्रखंड तारापुर में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, तारापुर उपचुनाव में राजीव कुमार सिंह NDA समर्थित जदयू प्रत्याशी हैं। मीटर के खिलाफ आंदोलन छेड़ेगी कांग्रेस। बिहार में जहां एक तरफ नीतीश सरकार स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लगाने का काम जोर शोर से कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नीतीश सरकार की इस मुहिम के खिलाफ ही आवाज उठाने वाली है, जिसके तहत कांग्रेस किसान कानून, महंगाई के साथ साथ स्मार्ट मीटर को भी अपना मुद्दा जनता के सामने पेश करेगी। पार्टी तारापुर और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव के बाद स्मार्ट मीटर की वजह से उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानी और अधिक बिलिंग का मुद्दा बनाकर और चरणबद्ध आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत पार्टी पंचायत से जिला स्तर तक प्रचार करने वाली है। इस दौरान कांग्रेसी नेता लोगों के बीच जाकर उन्हें बताएंगे कि किस प्रकार बिजली की प्रीपेड मीटर लोगों की परेशानी की वजह बनी हुई है। लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना तो कांग्रेस ने भी दिया जवाब। बीते दिन लंबे अरसे के बाद बिहार ने लालू प्रसाद यादव का दीदार किया। इतना ही नहीं, खुद लालू भी लंबे अरसे के बाद बिहार वापस लौटे हैं। इस दौरान उन्हें देखने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला, वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव भी जोश से लबरेज नजर आए। हालांकि बिहार आने से पहले उन्होंने भक्त चरणदास पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को टिकट इसीलिए नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस दोनों सीट पर जमानत भी नहीं बचा पाती। जिसके बाद लालू यादव के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने जवाब देते हुए कहा कि जब कांग्रेस पार्टी 6000 वोटों से पिछली बार कुशेश्वर स्थान सीट हार गई थी और जब अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे तो तारापुर से 15000 से राजद हारी थी तो वो अपना जमानत कैसे बचा पाएगी। सुशील मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। लालू प्रसाद यादव के आने से आगामी उपचुनाव पर कितना असर पड़ेगा कहना तो मुश्किल है, लेकिन उनके आने के बाद बिहार का सियासी पारा जरूर गर्म हो गया है। सरकार पक्ष की तरफ से लगातार कांग्रेस और राजद को लेकर बयान जारी किए जा रहे हैं। इसी को लेकर बीते दिन राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए कभी भी राजद का साथ नहीं छोड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने कांग्रेस के बिहार प्रभारी और दलित नेता भक्त चरणदास के लिए जैसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया है वो निंदनीय है, लेकिन इससे दोनों देश के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस को कितना भी भला बुरा कह लो, वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए अपमान के घूंट पीकर भी राजद के साथ रहेगी हमेशा। पटना आते ही धरने पर बैठे तेज प्रताप। बीते दिन लंबे अरसे के बाद लालू प्रसाद यादव आखिरकार बिहार आ ही गए, लेकिन उनके बिहार आते ही तेज प्रताप यादव ने अपना बगावती तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। जैसे ही लालू प्रसाद यादव पटना आए, वैसे ही तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच का विवाद जोर पकड़ने लगा। पटना आने के बाद लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के आवास पर चले गए, जहां दरवाजे से तेज प्रताप यादव वापस हो गए। उन्होंने कहा कि उन्हें गेट तक ही आने की इजाजत मिली थी। इसके बाद तेज प्रताप यादव राबड़ी देवी के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि लंबे अरसे के बाद लालू प्रसाद यादव बीते दिन आए हैं और जिसके बाद आगामी उपचुनाव में बड़े बदलाव की उम्मीद भी जताई जा रही है। पारस की पार्टी ने कन्हैया विघ्नेश और हार्दिक को बताया साइबेरियन पक्षी। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की रालोसपा
के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने कन्हैया कुमार, जिग्नेश और हार्दिक को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत पहले तो उन्होंने दावा किया कि बिहार विधानसभा उपचुनाव में एनडीए के उम्मीदवार रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। वहीं चुनाव परिणाम के बाद ट्विटर बॉय और उनके हनुमान का घमंड चकनाचूर हो जाएगा। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार, जिग्नेश और हार्दिक रूप में 3 साइबेरियन पक्षी को लगाया है। चिराग आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार ने उनके पिता की अनदेखी की, जबकि सच्चाई पूरी दुनिया जानती है। नीतीश कुमार ही वो व्यक्ति है जिन्होंने रामविलास पासवान के शव को एयरपोर्ट पर जाकर गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। जदयू भाजपा ने लालू प्रसाद यादव के आने से उपचुनाव पर नहीं असर पड़ने की कही बात। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लंबे अंतराल के बाद बिहार लौटे हैं, जिसके बाद बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि जदयू और भाजपा के नेताओं ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया है। भाजपा और जदयू के नेताओं का कहना है कि उपचुनाव में लालू प्रसाद यादव के आगमन से कोई असर नहीं पड़ेगा। पहले का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। लालू प्रसाद यादव पहले भी चुनाव में रह चुके हैं, लेकिन हमेशा भाजपा और जदयू का गठबंधन ही जीतता रहा है। इसको लेकर जदयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा कि लालू यादव का चेहरा तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव से गायब कर दिया था। राजद के लोग भी मानने लगे थे कि लालू प्रसाद का असर अब चुनाव में नहीं होने वाला है। जहां तक जानकारी है वो अस्वस्थ थे, लेकिन अब आ रहे हैं तो ठीक है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे डॉक्टर शशांक कोइराला की। डॉक्टर शशांक कोइराला एक नेपाली राजनेता हैं जो कोइराला परिवार के राजनीतिक वंश से संबंधित है। वो एक प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ भी है। वो नेपाली कांग्रेस के महासचिव रह चुके हैं। पार्टी के 2016 के आम सम्मेलन में 1417 मतों से वो चुने गए थे, जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी अर्जुन नरसिंह के 2008 के संविधान सभा चुनाव में वो नवल परासी एक निर्वाचन क्षेत्र से 17,430 वोट जीतकर चुने गए थे। वो कोइराला परिवार के एकमात्र सदस्य थे जिन्हें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के माध्यम से चुना गया था। उन्होंने 2013 के संविधान सभा चुनाव के साथ साथ 2017 के नेपाली विधायी चुनाव में भी अपनी सीट बरकरार रखी थी। पाकिस्तान के खिलाफ भारत को मिली शर्मनाक हार। बीते दिन भारत पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, बीते दिन खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने भारतीय टीम मैदान में उतरी थी, जिसके तहत 7 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम ने 151 रन बनाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम के 2 ही खिलाड़ियों ने भारत को धूल चटा दिया, जिसके बाद बाबर आजम ने 52 गेंदों में 68 रनों की और मोहम्मद रिजवान ने 55 गेंदों पर 79 रनों की शानदार पारी खेली और टीम ने 13 गेंद पहले ही जीत को अपने नाम दर्ज कर लिया। हालांकि सिर्फ मामूली हार नहीं थी, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बुरी तरीके से हारी हो। हालांकि कप्तान कोहली ने बहुत कोशिश की टीम को जीत दिलवाने की। उन्होंने बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत में ब्रिटिश अधिकारियों ने 1924 में सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल भेज दिया था। भारत में पहले आम चुनाव की शुरुआत 1951 में हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने 1995 में संयुक्त राष्ट्र के 50वें वर्षगांठ सत्र को संबोधित किया। भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार तथा लेखक मुकुर्दी लाल श्रीवास्तव का जन्म 1896 में आज के दिन हुआ था। कर्नाटक संगीत के गायक मदुराई मणि अय्यर का जन्म 1912 में आज के दिन हुआ था। प्रसिद्ध हास्य अभिनेता जसपाल भट्टी का निधन 2012 में आज के दिन हुआ था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मनीष मोहरा, बबीता यादव, गौतम कुमार, अनिल कुमार, छोटू कुमार, आलोक कुमार, नुन्नू कुमार, बबलू कुमार, मनीष मोहरा, कुंदन कुमार, बिमानी कुमार, श्वेता रॉय, प्रदीप, अरविंद कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ मिली करारी हार का अहम कारण क्या रहा? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।